वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड इसके पूरी डिटेल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये पैरेललोग्राम जो है, क्वाड्रिलेटरल जो है, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस क्वाड्रिलेटरल, काइट क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपेज़ियम क्वाड्रिलेटरल जो है, इसका फुल डिटेल्स के बारे में वीडियो वीडियो के द्वारा जानकारी देने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इनके बारे में अच्छे से फुल डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल जो है, इसका खासियत क्या है, इसमें ये जो है ना, इसकी जो साइड होती है, इसको जो लाइन का जो सेगमेंट होता है, इनके जो लाइन का जो सेगमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, ए बी सी और ये डी, इस तरीके से इसका शेप बनता है पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल का शेप बनता है। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल का मतलब इसके बारे में क्या आपको जानकारी है, फुल डिटेल्स की क्या जानकारी है। तो कहने का मतलब, इसका जो फिगर है ये फोर लाइन सेगमेंट से घिरा होता है और इसके जो अपोजिट साइड जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। पहला पॉइंट आपको बता दे, पहला पॉइंट इसका ये है, ए बी जो सेगमेंट है वो इसके अपोजिट पैरेलल के हैं, यानी कि ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है और ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, ये एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट ये कहता है, इसका सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि इसके जो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में सेम होते हैं, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। तो इसके जो अपोजिट एंगल है वो आपस में सेम है और इसका जो अपोजिट एंगल है ये इसके सेम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम की कंडीशन कहती है। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये आपस में बाइसेक्ट करता है, लेकिन इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। ए सी जो है इज नॉट इक्वल बी डी के, इनके जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं होता है, लेकिन इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के आपस में बाइसेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अगर हम ए सी डायगोनल्स की बात करें तो ए एम जो होगा वो एम सी के इक्वल होगा और जो बी डी है वो बी एम इज इक्वल टू डी एम के इक्वल होगा। ये पॉइंट है इसके। तो इसके जो पॉइंट हैं ये इसके अपोजिट साइड पैरेलल होता है और इसके अपोजिट एंगल आपस में सेम होता है, इसके डायगोनल जो होते हैं आपस में सेम नहीं होते, लेकिन इसके डायगोनल जो होते हैं आपस में सेम नहीं होते, लेकिन इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो जो बाइसेक्ट होता है वो अपने आप में इक्वल हो जाते हैं, यानी कि दो भागों में बढ़ जाता है। अगर ये जो एम पॉइंट पे इसके जो डायगोनल्स है ये एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ए एम जो है वो एम सी के इक्वल हो जाएगा और जो ये वाला जो डायगोनल्स है जो डी बी जो है वो एम बी जो है वो डी एम के इक्वल हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया। तो इसके कितने पॉइंट हो गए, यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट इसके बारे में क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि इसके जो एंगल होते हैं, इसके जो एंगल हैं सेम तो होते हैं पर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, इनके एडजेसेंट एंगल जो होते हैं आपस में सेम नहीं होंगे, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जिसके दो एंगल हो लेकिन उसकी कॉमन साइड हो,
जैसे कि ए बी है, ए बी जो है कॉमन साइड है इस, और इसका जो एंगल है वो एंगल ए होगा और एंगल बी जो होगा ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, क्योंकि इनके बीच में कॉमन साइड क्या है, कॉमन साइड है ए बी। अगर आप बी सी की बात करें, बी सी की बात करते हैं तो इनके बीच का जो एडजेसेंट एंगल जो है वो एंगल बी और एंगल सी होगा। अगर हम सी डी साइड की बात करें तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल सी और एंगल डी होगा। और यदि हम ए डी की बात करें तो इनके बीच का जो इनके इनके जो एंगल होंगे वो एंगल डी होगा और एंगल ए होगा। इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अब बात करते हैं एडजेसेंट साइड क्या होती है। एडजेसेंट साइड वो होती है जिनके बीच में, दो एडजेसेंट साइड के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स पॉइंट होता है वो उसका एडजेसेंट साइड कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए एंगल ए जो है इन दोनों ए बी और ए डी, ए बी और ए डी ये दो एडजेसेंट साइड है और इनके बीच में, इनके बीच का एक एक कॉमन वर्टिक्स होता है। तो एक कॉमन वर्टिक्स के अलोंग दोनों के साइड जो होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं। अगर ये इस पॉइंट के ए वर्टिक्स पॉइंट का एडजेसेंट साइड बनेगा ए बी और ये ए डी, अगर बी पॉइंट का एडजेसेंट साइड आपको ढूंढना है तो वो ए बी होगा, वो बी सी होगा। अगर सी पॉइंट का एडजेसेंट साइड पता लगाना है तो वो बी सी और सी डी होगा, और डी पॉइंट का एडजेसेंट साइड निकालना है तो सी डी और ए डी होगा। ये इसका मेन पॉइंट, इसका ये चौथा पॉइंट हो गया। अब इसका पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट ये है इसका पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर फिगर दिया है और पैरेललोग्राम का एरिया पूछ लेगा तो क्या होगा, पहला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया। तो ये ध्यान रखना है इसके एरिया जो होता है बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये बेस हो गया, हाइट ये हो गया, तो इसको हम हाइट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी पी इसे हाइट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर बेस अगर ये है तो हाइट ये हो जाएगा। अगर मान लो बेस इसको मानते हैं तो जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, अगर बेस ये है तो इसके बीच का हाइट ये हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको बेस पता है तो उस बेस पे जो भी परपेंडिकुलर लाइन अगर पड़ रही है तो वो उसका वो उसकी हाइट कहलाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है इस पैरेललोग्राम के एरिया निकालने का। अगर मान लीजिए इसका पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर, यदि इसका पेरीमीटर निकालना हो तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जितनी साइड होती है उसकी चारों साइड को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करते हैं तो क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ये एक कॉमन तरीके से आप उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, उसकी चारों बाउंड्री को आप ऐड कर देंगे तो वो आपका वो उस फिगर का पेरीमीटर निकल जाएगा। तो बस इसकी यही मेन खासियत है, एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना। तो इससे रिलेटेड ये पैरेललोग्राम हो गया। अब इसी तरीके से रेक्टेंगल का देख लेते हैं। रेक्टेंगल इस तरीके से आपका ये रेक्टेंगल है, ए बी सी डी। पहली बात तो ये देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है। तो अब बात करते हैं रेक्टेंगल की क्या खासियत है। तो इसमें जो खासियत पैरेललोग्राम की क्वाड्रिलेटरल में है वही खासियत रेक्टेंगल में भी होता है, ये ध्यान रखना है। तो जो खासियत हमने पैरेललोग्राम की क्वाड्रिलेटरल में बताई है वही खासियत इसमें भी है, बस इसमें ये और ये फिगर दोनों से अलग कैसे हो रहा है। अलग इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसका इसका जो एवरी एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, इस वजह से ये रेक्टेंगल हो रहा है। तो आपको इसमें ये दिखाना होगा एंगल ए, एंगल बी,
एंगल सी, एंगल डी, एंगल डी, तो इसके जो चारों एंगल है वो काहे के 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल सेम नहीं था, लेकिन इसमें डायगोनल सेम होगा। ए सी जो होगा वो बी डी के इक्वल होगा, यही इसका मेन खासियत है। बाकी बाइसेक्ट इसका भी होगा, ये और ये। ए एम जो होगा वो इक्वल एम सी के होगा, और बी डी जो है वो एम बी इज इक्वल टू डी एम के होगा। तो इसका ये मेन खासियत है। तो कहने का मतलब क्या है, इसके डायगोनल्स आपस में सेम है, इसके इसका जो डायगोनल्स है ये जो M पॉइंट पे इंटरसेक्ट जो हो रहा है, दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, आपस में दो टुकड़े कर रहा है उसके, वो भी बराबर भागों में, तो ये खासियत है। और इसके डायगोनल्स आपस में सेम होता है। और इसमें क्या है, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड आपस में, इसके फ्रंट साइड जो होती है वो इक्वल है, इस वाले साइड के, ये इसके इक्वल है। तो हम इसे कह सकते हैं AD जो है वो BC के इक्वल है, और AB जो है वो CD के इक्वल है। तो जब इक्वल है तो आमने सामने की जो साइड है वो पैरेलल भी होगी, तो पैरेलल भी है। तो अब इसमें मेन पॉइंट क्या, अब इसका पैरीमीटर अगर निकालते हैं तो इसकी चारों साइड को ऐड कर देंगे तो भी पैरीमीटर निकल जाएगा, लेकिन इसका एक फार्मूला होता है तो उस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो डायरेक्ट अगर हम इसका पैरीमीटर निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 × L + B होता है, 2 × L + B, इसको L कहते हैं, इसको B कहते हैं। तो अगर इसके लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके उसका डबल कर देते हैं तो वो उसका पैरीमीटर कहलाता है। अब इसके रेक्टेंगल का एरिया निकालने का क्या मेथड है, तो ये तो हो गया पैरीमीटर। वैसे तो देखा जाए चाहे कोई भी फिगर हो, चाहे रेगुलर शेप में हो, चाहे इरेगुलर शेप हो, उसकी जितनी भी बाउंड्री होती है सबकी बाउंड्री अगर आपने जोड़ दिया तो वो उसकी पैरीमीटर कहलाता है, या बाउंड्री कह सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को फार्मूले के माध्यम से लगाते हैं तो जल्दी निकलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब इसका एरिया अगर निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये इसमें खासियत है। और जो पैरेललोग्राम की क्वाड्रिलेटरल की जो खासियत होती है वही खासियत रेक्टेंगल में भी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। जो पैरेललोग्राम की क्वाड्रिलेटरल में जो खासियत है यानी कि क्वालिटी है वो रेक्टेंगल में भी मौजूद है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज होती है जिसकी वजह से पैरेलल रेक्टेंगल जो है क्वाड्रिलेटरल से अलग हो जाता है। इस वजह से इसका हर एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, और इसके डायगोनल जो होते हैं आपस में सेम होता है, इसी वजह से ये रेक्टेंगल हो जाता है। अब आ जाते हैं इसका तीसरा पॉइंट, स्क्वायर वाला, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। देखिए स्क्वायर में क्या होता है, ये भी चारों साइड से घिरा होता है, चार इक्वल लेंथ से घिरा होता है, ए बी सी और डी। ठीक है, ये पैरेलल क्वाड्रिलेटरल है, ये रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है, इसे हम पॉलीगॉन तो कह सकते हैं, इसे हम पॉलीगॉन कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है, फोर लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है। लेकिन ये रेगुलर पॉलीगॉन में नहीं आता है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो सबकी इक्वल नहीं है, इसलिए ये इरेगुलर पॉलीगॉन में आएगा, इरेगुलर में आएगा, ये भी इरेगुलर में आएगा। तो क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसकी लाइन जो, जिसका लाइन सेगमेंट जो होता है सबका सेम हो,
और उसके एंगल जो है सबके बराबर होने चाहिए, तो वो रेगुलर पॉलीगॉन होता है। रेक्टेंगल में भी ऐसी, रेक्टेंगल में एंगल तो सबका सेम है पर लेंथ इसकी जो है वो अल्टरनेट, लेंथ जो है अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड इक्वल है। इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो इस वजह से ये इक्वल, इसकी चारों साइड आपस में इक्वल नहीं है और ना ही इसकी चारों साइड आपस में इक्वल है, ना ही इसके दोनों के एंगल भी सबके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इरेगुलर पॉलीगॉन में आएगा, एक खासियत ये हो गया। अब स्क्वायर की खासियत क्या है, सबसे पहले तो स्क्वायर एक अपने आप में पॉलीगॉन है, अब पॉलीगॉन है तो इसका ये भी एक खास, इसका एक और खासियत है क्योंकि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, जिसके डायगोनल जो होते हैं अंदर जाके इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो वैसे तो इसमें से सारे जो फिगर है ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में भी आता है, तो चाहे वो इरेगुलर शेप हो, चाहे वो इरेगुलर पॉलीगॉन हो, चाहे रेगुलर पॉलीगॉन हो, लेकिन अगर वो उसके डायगोनल्स अंदर की तरफ है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा, और जिसके डायगोनल्स जो होते बाहर की तरफ जाके मिलते हैं वो कॉनकेव पॉलीगॉन होता है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। अब स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ये पॉलीगॉन है, सबसे पहले तो ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन है, ये रेगुलर में भी आता है, रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, और इसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन भी कहते हैं। ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पॉलीगॉन है, रेगुलर में भी आ रहा है, कॉन्वेक्स में भी आ रहा है। अब रेगुलर किस वजह से आया, इसके चारों एंगल जो है सब बराबर है, 90 90 90 और ये भी 90। एंगल आपको समझ में आ रहा है कि एंगल कहाँ होता है, ये एंगल हो गया। अब इसकी चारों लेंथ आपस में सेम होती है, इसी वजह से तो इसे हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में ये अंदर की तरफ मिलते हैं, इसलिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया। ये तीन पॉइंट आपको क्लियर हो गया इसमें। इसमें भी एक वही चीज है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में सेम होते हैं, AC और ये BD हो गया, और इसके जो इसका जो डायगोनल्स होता है ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, AM जो है MC के है और DM जो है MB के, यानी कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं डायगोनल्स वो बाइसेक्ट हो रहे हैं और आपस में, यानी कि हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं AM जो है MC के इक्वल है और DM जो है MB के इक्वल है। कुल मिला के इनके जो दोनों डायगोनल जो है इक्वल भी हैं और इनके जो बाइसेक्ट हो रहे हैं वो भी चारों इससे 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 सबसे बराबर इक्वल में आएंगे। तो ये हो गया। अब जो खासियत पैरेलल क्वाड्रिलेटरल में होता है वही खासियत रेक्टेंगल, जो खासियत रेक्टेंगल में है और जो खासियत क्वाड्रिलेटरल में है वही खासियत स्क्वायर में भी है। अब बात समझते हैं, यहाँ पे स्क्वायर जो है रेक्टेंगल शेप में हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में नहीं हो सकता, बस मेन यही खासियत अलग हो जाता है। स्क्वायर रेक्टेंगल फॉर्म में हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर फॉर्म में नहीं हो सकता, यानी कि स्क्वायर जो स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की खूबियाँ है और साथ में पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल की भी खूबियाँ है और इसके अंदर रोम्बस की भी खूबियाँ आती हैं। तो अभी इसके बाद रोम्बस के बारे में बता देंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो रोम्बस आपको समझ में आए, अब इसमें एरिया की बात करते हैं। अब इसका एरिया क्या है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, ये एरिया होता है। क्योंकि इसकी जो लेंथ है, इसको आप लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, बात वही है, दोनों की लेंथ सेम है, इसलिए इसको हमने साइड इनटू साइड से रिप्रेजेंट किया। लेकिन अगर इसका पैरीमीटर निकालेंगे तो आपको पता है कि इसकी चारों साइड को जोड़ दीजिए तो भी आपका निकल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए 4 × साइड। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है 4 × साइड, तो ये आसानी से इसका पैरीमीटर निकल जाएगा और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये चीज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब रोम्बस की खासियत बता देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। फोर्थ रोम्बस,
रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस बिल्कुल बर्फी कट जैसा होता है, इस तरीके से रोम्बस बिल्कुल बर्फी कट जो होता है, इसमें भी देखिए ध्यान समझिए, ए बी सी और ये डी, इसी को हम रोम्बस कहते हैं। रोम्बस में भी क्या है, ये भी अपने आप में इसकी चारों साइड जो है वो क्या है, चारों साइड जो है इक्वल है, और इसके जो डायगोनल्स हैं ये इक्वल नहीं होते, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, और इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। केवल ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अब आपको समझते आते हैं इसमें क्या है। रोम्बस में जो खासियत है वो पैरेललोग्राम की क्वाड्रिलेटरल की खासियत होती है। इसमें रोम्बस में जो खासियत है पैरेललोग्राम की क्वाड्रिलेटरल में जो खासियत बताई वो इसके अंदर पूरी है, और रेक्टेंगल में जो खासियत है वो इसके अंदर कुछ खासियत जो है, रेक्टेंगल के अंदर जो खासियत है वो इसके अंदर, रेक्टेंगल की कुछ खासियत इसके अंदर है, लेकिन ज़्यादातर पैरेललोग्राम की क्वाड्रिलेटरल की जो जो क्वालिटी है वो इसके अंदर आती है। और रोम्बस जो है ये स्क्वायर, स्क्वायर का क्वाड्रिलेटरल जो है रोम्बस की खासियत को स्क्वायर के अंदर मिल जाएगी, लेकिन ये दोनों आपस में अलग हैं। तो ये ए बी बी सी सी डी और डी ए, इसकी चारों लेंथ आपस में इक्वल है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं डी बी जो है, डी बी जो है और ए सी, ये इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, और इसके जो डायगोनल्स है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसके डायगोनल्स होते हैं एक आपस में एक दूसरे के बाइसेक्ट भी होते हैं और 90 डिग्री पे भी होते हैं। तो कहने का मतलब इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट होता है, इसे हम कह सकते हैं ए एम जो है एम सी के इक्वल है और डी एम जो है वो एम बी के इक्वल है, तो इसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है। अब इसमें जो देखिए जो खासियत पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल में होती है वही खासियत रोम्बस में भी होती है, बस इतना आपको समझना है। तो अब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसके डायगोनल्स आपस में सेम नहीं होता इसलिए इसका ये हो जाएगा हाफ डी वन इंटू डी टू, ये दो डायगोनल्स होते हैं इनका प्रोडक्ट करके हाफ कर देते हैं तो इसका एरिया निकल गया। अब इसका मान लो पैरीमीटर निकालना, तो वही जो है 4 इंटू साइड, क्योंकि इसकी चारों लेंथ सेम होती है स्क्वायर की तरह, ठीक है। बस क्या होता है, इसका हर कॉर्नर का जो एंगल होता है वो आपस में सेम नहीं होता, अपोजिट एंगल आपस में सेम हो सकते हैं, और इसका फ्रंट साइड जो है, मतलब कि इसके जो फ्रंट साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं और एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, या चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, ये इसके अंदर एक खासियत है। ये आ गया रोम्बस के अंदर जो खास, स्क्वायर के अंदर जो खासियत होगी, स्क्वायर के अंदर जो खासियत है और रोम्बस, रोम्बस की जो खासियत है वो स्क्वायर के अंदर सब मिल जाएगा। स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसके अंदर पैरेललोग्राम की क्वाड्रिलेटरल की खासियत है, रेक्टेंगल की भी खासियत है, और रोम्बस के खासियत इसके अंदर मिल जाएगी। तो ये चीज है, ट्रेपेज़ियम की भी खासियत स्क्वायर के अंदर पाई जाएगी, और एक काइट की भी खासियत इसके अंदर पाई जाती है स्क्वायर के अंदर। अब आ जाते काइट में, काइट इस तरीके से होती है, इस तरीके की खासियत होती है काइट में। अब ये भी एक तरीके से ए बी सी डी, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसका जो ये जो एंगल है, ये इसका ये जो एंगल है, ये इसमें क्या होता है, ये एम है, इसमें ये वाली जो लेंथ है आपस में इक्वल होती है, इसकी ये वाली लेंथ इसके इक्वल होती है, इसे हम कह सकते हैं ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, और इसका ए डी जो है वो नॉट इक्वल सी डी के है, यानी कि इसके एडजेसेंट साइड जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं,
यानी कि ए बी जो है बी सी के इक्वल है और बी ए और ए डी जो है वो सी डी के इक्वल है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ओनली वन बाइसेक्ट होता है, दूसरा बाइसेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखना है कि केवल ए एम जो है वो एम सी के इक्वल होगा, लेकिन दूसरा वाला जो डायगोनल्स है वो एम डी जो है वो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल एम बी के। ये इसके अंदर खासियत है। इसका अपोजिट एंगल जो होता है वो आपस में सेम होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ये कुछ खासियत जो है पैरेललोग्राम की क्वाड्रिलेटरल को ये एक्सेप्ट करता है, इसके अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये काइट से संबंधित ट्रैपेज़ियम है। काइट में इसके दो एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होते हैं और इसमें नहीं होता है, और इसका एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल पैरेललोग्राम की क्वाड्रिलेटरल की तरह ही होता है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। अब बात करते हैं इसमें चौथा वाला ट्रैपेज़ियम की बात करते हैं। ट्रैपेज़ियम में क्या होता है, इसमें एक साइड छोटी होती है और एक साइड लंबी होती है। ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है और ये वाली साइड जो होती है इसके पैरेलल नहीं होती है, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी सी और ये डी, तो इसमें ये चीज हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ए बी जो है सी डी के इक्वल है, इक्वल नहीं, नॉट इक्वल है, यानी कि इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ जो है फ्रंट साइड जो है वो इक्वल तो नहीं होती लेकिन पैरेलल जरूर होती है। तो जब पैरेलल है तो ए बी जो है सी डी के पैरेलल हो गई, लेकिन ए डी जो है और बी सी जो है ये नॉट पैरेलल होती है, यानी कि इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड पैरेलल नहीं होती है, केवल वन पेयर साइड जो होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल नहीं होती है, बस ये ध्यान रखना है। अब इसके भी डायगोनल्स वही होते हैं जो इसके अंदर भी होते हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में केवल दो ही डायगोनल्स होते हैं। अब बात करते हैं इसमें फार्मूले की, इसमें और कोई खूबियाँ नहीं होती हैं, बस इसमें एरिया की बात करते हैं। हाँ एक बात और है, ये ट्रैपेज़ियम जो है इरेगुलर पॉलीगॉन में आएगा, पॉलीगॉन तो है लेकिन इरेगुलर है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में भी है लेकिन ये रेगुलर पॉलीगॉन में नहीं आएगा, इसलिए इसका एरिया बता देते हैं। एरिया ऑफ इसका ट्रैपेज़ियम का एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रैपेज़ियम, तो ट्रैपेज़ियम का जो एरिया है इसका हाफ, और इसकी दो मतलब कि इसकी जो दो साइड जो पैरेलल थी उसका सम कर देना है। कौन सी साइड पैरेलल है, ए बी और प्लस सी डी, दो साइड का जो पैरेलल है उसको हम सम कर दिया, और दोनों साइड के पैरेलल के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि ये इसकी बीच की ए बी सी डी और ये जो है ये डी एम, तो ये इसको आप हाइट, इसे आप हाइट मान लो या डिस्टेंस मान लो, दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस इसको कंसीडर कर लो या दोनों साइड के पैरेलल के बीच की हाइट को रिप्रेजेंट कर दो। तो यानी कि आप इसे हाइट से भी आप फार्मूले से ले सकते हैं या इसको ऐसे भी हम ले सकते हैं। तो पी वन प्लस पी टू इंटू एच, कुछ भी आप इसमें मान लो, इसकी लेंथ हम पी वन मान लेते हैं, इसकी लेंथ पी टू मान लेते हैं, तो लेंथ पी वन और प्लस पी टू इंटू एच हो जाएगा, हाइट से रिप्रेजेंट कर दिया, या इसे हम डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे एच ले लीजिए या डी ले लीजिए। तो फार्मूला इसका ये होता है एरिया निकालने का। अगर इसकी बाउंड्री की बात करें तो चारों साइड को जोड़ दो तो बाउंड्री भी निकल जाती है। तो ये हो गया आपका, इसमें रेगुलर पॉलीगॉन भी था और इरेगुलर पॉलीगॉन था। रेगुलर पॉलीगॉन वो होती जिसकी लेंथ जो होती है सबकी सेम हो और एंगल जो है सबका सेम हो, तो वो रेगुलर हो गया, और इरेगुलर पॉलीगॉन होती है जिसकी लेंथ सबकी सेम ना हो, सबकी सेम नहीं होती, एंगल भी सेम नहीं होता, तो वो इरेगुलर हो गया। अब कॉन्वेक्स में वो क्या होता है, जिसके डायगोनल्स अंदर की तरफ मिलते तो कॉन्वेक्स हो गया और जिसके डायगोनल्स बाहर की तरफ मिलते हैं वो कॉनकेव हो गया। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।